समस्त नमः अभी जो प्रश्न चल रहा है वो आत्मा के रूपक के बारे में बताया, और आत्मा के रूपक बताने के पीछे जीवन के जो अनेक पर्सनालिटी होता है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। अभी एक अमृतसर में अच्छी पहल कर रहे हो लोग, जिसमें चंद्र बनर्जी नहीं जा रहे हैं, उनके साथ चीफ टीम और मैं भी असिस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जितने सब इंजीनियरिंग स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, 20 साल से 25 साल के बच्चों को रेसिडेंशियल कैंप कर रहे हैं, उसमें खुद अविनाश बोल रहे थे, हम खुद कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से मिलकर कॉन्सेप्ट समझा करके आ रहे हैं। ये सब सीखने की चीज है हम लोग। जैसे वो 3 लोग गए थे ना, हमारे 3 पायलट दिल्ली अटेंड आने के बाद बोल रहे, हम लोग सोए हुए हैं स्वामी जी, और करना है। बात तो सही है। दूसरे सेंटर से, नजदीक सेंटर जो हमारे कर रहे हैं, उनसे सीखना भी है। तो वो लोग जाते हैं लोग, तो लगभग 50 स्टूडेंट्स को रखेंगे, नो मोबाइल नो कनेक्शन आश्रम में रखेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर आश्रम देगा। अभी जैसे 30 बच्चे को जो 75 डेज करवाया था, वो इंडिया का करवाया था, उसमें से एक भी अमृतसर का नहीं था, जिसमें मैं भी गया था। पांडे टोटल एक्सपेंसेस अमृतसर ने किया, तो उसमें मेन लिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप है, ताकि मुझे योगासन प्राणायाम मेडिटेशन का क्लास दिया गया, और वैल्यू मैनेजमेंट का एक टॉक, बाकी अलग अलग सब टॉक। उसमें मैं पॉइंट लेके आ रहा हूँ, मेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उपनिषद में भी देखो कितना सुंदर में प्राचीनता में, उसको हम मॉडर्नाइज के ढूंढ सकते हैं। पर्सनालिटी में हमारे एस्पेक्ट क्या, हम लोगों के एक होता है शरीर, ये का एस्पेक्ट है, विधा है, और एक होता है इंद्रिय, और एक होता है मन। शरीर मन इंद्रिय, उसके पीछे विषय है। तो विषय शरीर, शरीर माने पूरा टोटल कॉम्बिनेशन, फिर इंडिविजुअल होता है इंद्रिय, फिर इंद्रिय भी दो भाग है, एक है ज्ञानेंद्रिय और एक है कर्मेंद्रिय, फिर मन, फिर उसके बाद बुद्धि, फिर उसके बाद उपनिषद के अनुसार जाएंगे कठोपनिषद। बुद्धि से सूक्ष्म है समष्टि बुद्धि। देखो पर्सनालिटी में हम कैसे अंदर अंदर जाते हैं, इनर इनर इनर, उसको बोलते हैं महत्तत्व। उसके बाद प्रकृति, उसका नाम है अव्यक्त है, उसके बाद परमात्मा। ठीक, इसको ये दिखाया गया उपनिषद में इस टॉपिक पर। उसके बाद उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो मेथड बताया। उसके बाद कहाँ तक पहुंचना है, आत्म तत्व तक पहुंचना है, और ये आत्म तत्व को दुर्विज्ञ, दुर्विज्ञ मतलब जानना कठिन है, वो टॉपिक अभी ले रहे हैं। अभी इस अध्याय को अभी समापन होने वाला है। प्रथम अध्याय में 71 श्लोक था, 3 बल्ली थी। बल्ली माने ब्रांच, जैसे बहुत बड़ा ट्रंक है, ट्रंक माने ये जो स्टील वाला ट्रंक नहीं, अम्मा भी कुछ एक ट्रंक लग के देख रहे, पता नहीं उसमें क्या है, अगर तेजी कहां से आ रही। तो उसमें
इलेक्ट्रॉन फिर उसका ब्रांच है। तो ऐसे प्रथम अध्याय का तीन बल्ली है, पहले बल्ली में 29, सेकेंड में 25 एंड थर्ड में 17 श्लोक्स है। इसी प्रकार 71 श्लोक्स है। अब लगभग हम लोगों ने कर लिया है, अभी दो श्लोक के बाद 71 तक हो जाएगा प्रथम अध्याय समापन। तो प्रथम अध्याय आज अभी कुछ समय में समापन हो जाएगा, द्वितीय अध्याय हम शुरू करेंगे। द्वितीय अध्याय में भी तीन बल्ली है, पहले बल्ली, द्वितीय बल्ली, तृतीय बल्ली। तो द्वितीय अध्याय में जो ऋषि है, यवराज है, वो जानते हैं कि ठंड दिन है, ठंड दिन के कारण यवराज जानते हैं कि मेरे पास बहुत लोग आ जाते हैं, नहीं समझे इसीलिए वो ज्यादा श्लोक नहीं ले रहे, कम कम श्लोक ले रहे। पहले गर्मी के दिन में ज्यादा श्लोक ले रहे थे, प्रथम अध्याय में कितना, 29, फिर 25, फिर 71। अभी जो द्वितीय बल्ली के जो तीन अध्याय है, प्रथम अध्याय में सॉरी द्वितीय अध्याय के जो तीन बल्ली है, प्रथम बल्ली में सिर्फ 15, सेकंड बल्ली में सिर्फ 15 और थर्ड बल्ली में 18, मिलाने से कितना हुआ, 48। 48। इतना ये प्रथम अध्याय और द्वितीय, प्रथम अध्याय में तीन है बल्ली और द्वितीय अध्याय में तीन बल्ली। प्रथम अध्याय का भी सब्जेक्ट चल रहा है, प्रथम अध्याय में क्या क्या है, कन, 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 माने कंक्लूजन में खुद गुरुदेव एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं। हम लोग देखेंगे, पहले श्लोक देखेंगे। मैं कह रही आपको उपनिषद के एक श्लोक के अनुसार जो इसका एक ब्रांच है उसको बोलते हैं ट्री, फैमिली ट्री, फैमिली ट्री होता है, वैसे आपको बता दिया। क्या बताया, टोटल है 119 श्लोक्स है, लगभग 70 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। पहला अध्याय के तीन बल्ली में 29, 25, 17 हो रहा है अभी, और द्वितीय बल्ली शुरू करेंगे। इसमें जो कल तक आ गया था, मैंने जो बताया परसों, मॉडर्न को मॉडर्न हिसाब में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अपने अपने एस्पेक्ट्स है उसको जानना है और उसको तारतम्य करके कंट्रोल करना है। तारतम्य माने फिर कंपैरेटिव, कौन कितना सूक्ष्म है, कंपैरेटिव। उसके बाद लय साधना बताई गई। उपनिषद ज्यादातर ध्यान के बारे में इतना प्राधान्यता नहीं देती है, मगर इसी उपनिषद में है। ये जो श्लोक नंबर 13 है, यच्छेद मन मनसि प्राज्ञा तद्यच्छेद ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांतमात्मनि। ये पूरा मेडिटेशन श्लोक है, मेडिटेटिव श्लोक। अभी जो ज्ञान यज्ञ परसों से होने वाला, आप लोग भी फोन करते हो, मैं भी कुछ कुछ फोन करता हूँ, मैं भी कुछ कुछ मिलता हूँ। जैसे परसों गया था वो लैपटॉप का एचपी का, उनके पिताजी को बोला, इनविटेशन कार्ड दिया और कहा कि आओ, तुरंत डायरेक्ट मेडिटेशन सिखाएंगे। और मैं तुरंत हाँ कहा, फिर मैंने कहा कि चलो अच्छी बात, लास्ट 15 मिनट मेडिटेशन, वो आए या ना आए बीज तो डाला। तो मेडिटेशन के लिए बहुत लोग इंटरेस्ट है। अगर मैं उत्तरकाशी कैंप पूछता हूँ बोलता हूँ, आप वहां मेडिटेशन सिखाते हो ना, हाँ वहां तो लेता ही। तो ये श्लोक मेडिटेशन श्लोक है, मेडिटेटिव श्लोक है, ठीक है। अगर संभव हो इसको मैम लास्ट में, आज प्रवचन के लास्ट में 10 मिनट इसको लेकर करेंगे। इसको कहते हैं लय साधना, अर्थात लय प्रधान मेडिटेशन, अर्थात जो ध्यान है वो एक को दूसरे को लय करना, स्थूल को सूक्ष्म से लय करना। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, उस समय करेंगे, केवल श्लोक को देख लेना, उस समय तो श्लोक नहीं देख पाओगे, अनुबंध करोगे। यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः, प्राज्ञः विवेकी पुरुष लोग जो ज्ञानी है, अपनी वाणी को
इंद्रियों को मन में डालते हैं। अच्छा ये ऑलरेडी अध्याहार है, अध्याहार एक टेक्निकल शब्द है, अध्याहार माने ऑलरेडी टेकन, टेकन ग्रांटेड फॉर, ऑलरेडी टेकन क्या विषय कंट्रोल हो गया है इंद्रिय से, ठीक। इसलिए विषय को इंद्रियों में डालो ये नहीं बताया, डायरेक्ट कहा वाणी को मन में उपसंहार करो, लीन करो, शब्द डायरेक्ट ही अच्छेद माने लीन करना, लय, इसलिए लय साधन। तो जब हम करेंगे अभी हम विषयों का भी लय करते स्टार्टिंग में, तो विषय को इंद्रियों में लय, फिर इंद्रियों को मन मन में, वान मनसि प्राज्ञा, फिर यदि अच्छेद ज्ञान आत्मा, फिर मन को कहा न बुद्धि में, अर्थात जो मन है वो भागता रहता है, पता नहीं चलता है। जब आप देखोगे घर में सब सामान पड़े हुए हैं, आप कुछ करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये कैसा कैसा है, अगर शुरू करोगे साफ करने का तो पता चलेगा क्या है, झाड़ू ले और शुरू करोगे इतनी गंदगी है इधर नीचे हो। इसी प्रकार जो मन है व्यवहार में कर्मों में ऐसे चल रहा है पता नहीं चलता है, जब उसको हम मेडिटेशन में बैठना चाहेंगे तो मन कितना चंचल है पता चले। कोई बोलेगा हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता है, कभी तो मेडिटेशन किया ही नहीं तो कैसे पता चले, जब मेडिटेशन करेंगे तो पता चले, जो मेडिटेशन करता है, जो जप करता है, जो ध्यान करता है, उसका मन कितना चंचल है। तो इसीलिए चंचल मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि माने यहाँ क्या है, बेटा हाँ ज्ञान आत्मनि माने क्या है, यहाँ पे तो ग्रेटा नहीं ज्ञान मात्र बुद्धि है, ज्ञान मात्र नहीं बुद्धि है, तो बुद्धि में लीन करना है मन को बुद्धि में, फिर ज्ञान मात्मनि महति निरच्छे, बुद्धि को फिर कहाँ लीन करना है, हाँ महत्व तो क्या होता है, समझते समस्त बुद्धि माने कैसे चिंतन करना है, क्या हो मनन करना, जो हुआ है क्या हुआ गई है, हमारी जो बुद्धि है वो संकुचित है, थी। हमारी जो बुद्धि है वो लिमिटेड है, समस्त बुद्धि में जो अभी 10 चैप्टर में देखा है उसको क्या बोलते हैं, विभूति योग है, जो भागवत के सेकंड स्कंद में देखा है उसको क्या बोलते हैं, विराट उपासना, अर्थात बुद्धि को सिंक्रोनाइज से बड़ा बड़ी करना, महत बोल रहे हैं शब्द दिखाना, महत्व अर्थात मैं छोटी हूँ बड़ी होगा, फिर महातत्व को कहाँ लीन करना, अव्यक्त में, क्यों कि महातत्व डायरेक्ट प्रोडक्ट है अव्यक्त का, अव्यक्त माने प्रकृति, फिर प्रकृति को कहाँ लीन करना है परमात्मा, ये लय साधना बताई गई है। फिर अभी जो 14 नंबर श्लोक है वो कहते हैं, जब तक आप अपने उठोगे नहीं है, आत्मबल अंतकरण बल सेल्फ एफर्ट नहीं करोगे, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, गुरु की कृपा है, शास्त्र की कृपा है, सबकी कृपा है, मगर आपके खुद के आत्म कृपा नहीं तो नहीं कर सकते, ये बता रहे हैं नंबर 1 चरण में, इसी श्लोक में सेकंड में बता रहे हैं आत्मा के दुर्लभ, तो श्लोक पढ़े पता चलेगा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरं निबोधत, शिवस्य धारा निशितादरत्यया, दुर्गम पदस्तत् कवयो वदन्ते, कवयो
इस श्लोक को स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ही अच्छा लगता था किसी भी प्रवचन में। और उस समय पूरा भारत सो गया था अंग्रेज शासन के माध्यम से, पराधीनता का स्वीकार कर लिया था। उनको अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक चल रहा है, अंग्रेज लोग पराधीन कर रहे हैं मगर शासन चला रहे हैं। एक मिनट, हाँ तो क्या बता रहा था, स्वामी विवेकानंद जी को खुद ही श्लोक पसंद आता, उनका अनेक प्रवचन में टॉक में। ऐसे भी विवेकानंद जी जैसे अभी कुछ कुछ वक्ता है जो एक एक दिन में एक एक शहर में एक एक घंटा ही प्रवचन दे के चल रहे थे, भीड़ बहुत होती थी। भगवान बुद्ध देव के बारे में कथा कि एक बार आए तो कुछ दिन रहते थे, क्योंकि उनको ज्यादातर मेडिटेशन सिखाना, वो सिखाते नहीं थे, जस्ट खुद बैठ जाते थे और खुद बैठते थे, उनको देख के सब लोग मेडिटेशन करते थे, बोलते भी नहीं थे। उस समय अभी माइंड भी नहीं था, लोग 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 कैसी आवाज आएगी, मगर ऐसे शांत होकर बैठते थे, उनके जो आवाज ही गंभीर होती थी सुनाई देती होगी। या तो जैसे बद्रीनाथ में गुफा है, वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी सुनते थे, विचार के तरंग है, ऐसे हो सकता है। जो भी हो उस समय कुछ दिन रहते थे एक जगह पर, और जहां रहते थे उस जगह का नाम बिहार होता था, मठ होता था, इसलिए बनता था। उसके बाद शंकराचार्य, शंकराचार्य भी कुछ कुछ मंदिर में रहते थे, प्रतिष्ठा करते थे, ब्राह्मणों को समाज को बुलाते थे, राजा को बुलाते थे, संगठन का काम बुद्धदेव ने शुरू किया, उसके बाद शंकराचार्य ने, पहले बुद्धदेव याद है उसके बाद शंकराचार्य। भगवान वेदव्यास जी संगठन नहीं किया, अपने चार शिष्यों को समझा दिया और काम प्रचार। संगठन अगर हिंदू धर्म के शाखा में स्टार्टिंग में कौन किया तो भगवान बुद्ध, उसके बाद डायरेक्ट हिंदू धर्म के में शंकराचार्य, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आए स्वामी विवेकानंद जी के समय में नेगेटिव परिस्थिति। शंकराचार्य के परिस्थिति में क्या है, बुद्ध देव माने बौद्ध धर्म, राजा लोग सब बौद्ध होते थे, कोई मंदिर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मंदिर में पूजा पाठ ब्राह्मण वो सब झमेला रहता था, और राजा लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन पसंद होता था, इतने विक्षिप्त में वो लोग ध्यान करना पसंद करते थे। ऐसे तुरंत बौद्ध भिक्षु में दीक्षा ले जाते थे, बौद्ध भिक्षु में दीक्षा होती थी उनके अपने टाइम। अभी हम लोग भूटान गए थे ना तो देखा कितने सब अलग अलग घूमते थे, उन लोग अपना स्टाइल है। शंकराचार्य जब आए तब हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा की, पूजा किया, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, मंदिर प्रतिष्ठा किया, राजाओं को बुलाया, शास्त्रार्थ कराया, तो एक जगह पर उनको मौका मिलता था। ठीक है, नेगेटिव क्या था, बौद्ध धर्म। स्वामी विवेकानंद जब आए नेगेटिव क्या है, भारत पराधीन है, अंग्रेज शासन है, सब लोग सोए हुए हैं, किसी के अंदर वो परा जो जो सेल्फ एफर्ट है, बल है, कुछ करना है वो नहीं है। इसलिए देखा कि ये जो उपनिषद श्लोक है बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने इस श्लोक को पसंद किया, और इसका अर्थ तो अलग है आत्म तत्व जानने के लिए, और उन्होंने एक सामाजिक दृष्टि से, सोशल रिफॉर्मर के दृष्टि से इस श्लोक को यूज किया। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो गुरुदेव ने बताया 1990 में, जब गुरुदेव ने फर्स्ट ब्रह्मचर्य का कॉन्फ्रेंस किया था मैसूर में, उस मैं तो था ही, तो गुरु ने कहा था अपना जो
इनॉग्रेशन टॉक दिया था उसमें यही बताया था, मैं जो बोल रहा हूं संघ की मिशन की कब जरूरत पड़े, बैटालियन की कब जरूरत पड़े, तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम उन्होंने जिक्र किया था, स्पेशली उन्होंने जिक्र किया था शंकराचार्य, फिर शंकराचार्य की परंपरा में हम लोग आ रहे हैं, इसे करके बताया था, विवेकानंद जी का भी नाम लिया था, इसलिए मैं यहां बोल रहा हूँ। और मुझे विवेकानंद जी का इसीलिए लेना कि ये जो श्लोक है पर्टिकुलर जो ले रहे हैं हम श्लोक कनेक्ट है, तो उनके जो प्रवचन होता था आप देखना, फ्रॉम अल्मोड़ा टू कश्मीर, फ्रॉम कलम्बो, उस समय तो कलम्बो भी जाते थे, फ्रॉम कलम्बो टू अल्मोड़ा, अल्मोड़ा मैंने समझ लो उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा, तो वहां उनका आश्रम है मायावती, मायावती आश्रम में मैं गया हूँ, वहां फॉरेन के विदेशी थे जो पूरा टोटल 100 से 1000 acre है अभी भी है, विवेकानंद जी वहां रहते थे, तो उन्होंने दिया जगह कि आप वहां आश्रम पर, फिर बाद में रामकृष्ण मिशन ने लिया है। तो वहां जो टॉक देते थे इसी जरूर उसी उनके टॉक में आप पढ़ना, जरूर उनका जो टॉक है अगर कोई श्लोक को उद्धरण करना है ये श्लोक है। और एक श्लोक प्रसिद्ध है जब पार्लियामेंट में दिया था, आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, जितने भी धर्म है वो सब एक ही रास्ता में, ऑल रोड्स लीड टू रोम, उनका ओरिजिनल टॉक सुनोगे ना बड़ा सुंदर इंग्लिश, तो ये श्लोक है, उत्तिष्ठत जागृत उठो और जागो। गुरुदेव इसको मजाक कर रहे, देखो कितनी गलती है अगर देखा जाए, पहले होता है जागो उसके बाद उठो, अगर कोई मनुष्य सोया हुआ है पहले क्या होता है जागो उसके बाद उठो, अभी हम क्या बोल रहे हैं उठो और जागो, इसका अर्थ है साधारण शब्द नहीं है ये, आत्म तत्व के बारे में, अर्थात उठो माने अपने शक्ति को उठाओ और अज्ञान की निद्रा में जो सोया हुआ हो वो जागृत करो, पहले आत्मशक्ति आत्मबल को इकट्ठा करो उठो, फिर उसके बाद जागो, उत्तिष्ठत जागृत। फिर उसके बाद कहते हैं क्योंकि तुम अगर उठोगे नहीं जागृत नहीं करोगे अपने आप में ज्ञान प्राप्त होने वाला है। अच्छा व्यवहार में भी कोई सोया हुआ व्यक्ति को आप उठा सकते हैं, उठो उठो क्या अभी स्टडी क्लास है 2:45 हो गया है तो उठ जाएंगे है ना, और कोई अभी सोया हुआ है और नाटक कर रहा है सोया हुआ है उठ गया फिर भी उसको आप उठा सकते हो, कभी कभी कैंप में होता है कैंप में उठो मैं स्नान कर लिया बाथरूम खाली है जा हाँ जाएंगे बाथरूम तो खाली हो क्या जाएंगे। तो जो व्यक्ति सोया हुआ उसको उठा सकते, जो व्यक्ति उठ गया है मगर सोने का एक्टिंग कर रहा है उसको आप उठा नहीं सकते। तो यहां पर कहते हैं आत्मज्ञान अनादि अविद्या में सोए हुए जंतु, शंकराचार्य भी विवेकानंद जी भी इनसे ही सीख रहे होंगे, तो वो भी बोल रहे उठो, उनको कैसे बोलते पता है संस्कृत का क्या बोलते देखे, विद्या प्रसुप्त अवतिष्ठत हे जंतव, शंकराचार्य भाष्य
हे जनता हो, जंतु जंतु माने क्या है, जनता में जो सोया हुआ है, जो पशु है, जो बाघ रहता है ना, जनता में रहता है ना, जनता को इंग्लिश में केज बोलते हैं ना, CAG, केज। तो जो केज में रहता है जंतु, जनता में हम लोग भी जंतु है, शरीर रूपक जनता में रोए हो। विद्या अविद्या प्रसुप्ता, अविद्या के जो प्रसुप्त तो सोए हुए उठो, और उठ करके क्या करना है, जनता आत्मज्ञान अभिमुखा भवत। शंकराचार्य के डायलॉग सुन लीजिए, आत्मज्ञान अभिमुखा बनो, आत्मज्ञान करो, आत्मवान भव। भगवान कृष्ण ने भी कहा भव आत्मवान, आत्मज्ञान अभिमानी भव। फिर आत्मज्ञान के लिए अभिमुख हो जाओ, उठो का अर्थ यही है, आत्मज्ञान के लिए अभिमुख। फिर जागृत अज्ञान निद्राया, देखते शब्द देख रहे हो, कुछ आना कुछ कर नहीं रहे, कैसे होगा, हम लोग खुद ही सोए हुए लग रहे हैं। तो जागृत बोलो, भूख। अच्छा कैसे कर रहे हो, कहते जागृत उठो, इसमें अज्ञान निद्राया, अज्ञान के निद्रा में सोए हुए हो। घोर रूपया सर्वान अनर्थ बीज भूताया क्षयम् कुरुत। अर्थ क्या है, कि अनर्थ का बीज भूत जो अज्ञान है, जो कारण है, उसमें सोए उसको निद्रा अटक कर नाश कर। अच्छा जब हम जागृत में भी सो उठते हैं ना, हम करते क्या, एक को नष्ट करते और एक में प्रवेश करते। किसमें नष्ट करते, किसको नष्ट करते, नींद को। अगर जब तक नींद को आप जीवित रखोगे आप नहीं आ सकते, नींद को आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी मेरी वाणी को समझने के लिए आपको चुप होना पड़ेगा, तो आपके जो वाणी है, आपका जो बोलना है, उसको बंद करना पड़ेगा, तभी आप मेरी वाणी को सुन सकते हो। एक अवस्था माने के लिए पहली अवस्था को हटाना पड़ेगा। तो कहते हैं यहाँ अज्ञान निद्रा को विनाश करो, कैसे करेंगे अब बता रहे, अब बता रहे कैसे करें, क्या धारा क्षीरस्य धारा निशिता तुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति, कवि लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। तो शंकराचार्य, अच्छा इसका मूल जो उपनिषद में यमराज बोलते हैं उसको सुना, कहते हैं जो कवि लोग तत्व ज्ञानी लोग इस मार्ग को दुष्प्राप्य बोलते हैं, वो कठिन से प्राप्त किया जाता है, कैसे, क्षीरस्य धारा, एक पहनी हुई छुरी है, छुरी नाइफ, और पहनी हुई छुरी के धार जो है वो तीक्ष्ण है, चलना है कैसे, जैसे चलना कठिन है वैसे ही रास्ता कठिन है। क्यों, क्योंकि ये जो जगत के संसार के चीजें वो छोड़े नहीं जाते हैं, तो जब तक ये छोड़ते नहीं है इंसान इस रास्ता में प्रवेश नहीं कर पाते, तो इसको छोड़ने नहीं बनता है और इसमें प्रवेश नहीं हो पाता है, मगर प्रवेश करने की इच्छा है और ये इसके मांग है कि उसको छोड़ो फिर इसमें प्रवेश कर सकते हो, इसलिए ये कठिन है। अगर ऐसे कठिन है तो कैसे प्राप्त कर सकते, प्रश्न है खुद शंकराचार्य करते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बता दें ना, बताइए, खुद शंकराचार्य भाष्य में बता रहे हैं। देखो कुछ कुछ श्लोक तो हम थोड़ा सा स्पीड में लिया था, जो मेन है जनरल है, जहां जहां शंकराचार्य अटकते हैं, जहां जहां शंकराचार्य हमारे लिए करुणा करते हैं, भाष्य करते हैं, मैं वो रुकता हूं, वो कहते हैं सुनो क्या, हाँ उसमें एक शब्द और था, ये शंकराचार्य कहते थे, उन्होंने जो मूल श्लोक है यमराज, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान निबोधत,
बराम निबोधत का अर्थ है, वरान माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के पास, बस तुम्हारे जीवन में जो श्रेष्ठ है, जो गुरु है, वरान है गुरु आचार्य, उनके पास तुम जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बराम निबोधत, ये बड़ा सुंदर है। कुछ कुछ में विवेकानंद जी इसको ट्विस्ट करके थोड़ा अर्थ बताते थे, क्या, जब तक श्रेष्ठ को प्राप्त नहीं हो तब तक उठो जागो, ये मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया। धीरे धीरे शायद वो नहीं किया होगा, बाद के इनके एक्सप्लेनेशन भी अर्थ हुआ है। अब समझ में आ रहा है क्या अर्थ है? बरान निबोधक का रियली संस्कृत का, जो यमराज ले रहे हैं, जो उपनिषद ले रहे हैं, निबोधक माने ज्ञान प्राप्त करो। कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे? ना गुरु के पास जाकर, बराम माने गुरु, तुमको ज्ञान प्राप्त करना, उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो सुषुप्ति अज्ञान निद्रा से, उठो ज्ञान प्राप्त करो। प्रश्नों का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बराम निबोधत, बराम माने श्रेष्ठ, उनके पास समर्पित। उपसति बोलते हैं, उपसति माने गुरु उपसति, एक मेथड है विवेक चूड़ामणि में, एक टॉपिक है गुरु उपस्थिति, उपसदन। सदन माने मालूम है घर, सदन माने घर, तो जहां पर रहते हैं, गुरु के पास रहना है, इसलिए देशिकत्व कहते हैं। वो एक देश में जो रहते हैं, गुरु और शिष्य एक देश में। अभी आप नवंबर 19 में रहते हैं, उसको बोलते हैं गुरु के पास रहे, आगे भी एक दिन रखेंगे, तो उसको बोलते बरान निबोधत, उनके पास रहोगे तभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। निबोधत माने ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ये हो गया ओरिजिनल मीनिंग। बाद के बाद कहते हैं बरान निबोधत, बरान माने श्रेष्ठ परमात्मा, परमात्मा को जब तक प्राप्त नहीं किया तब तक उठो चलो, अर्थात तुम्हारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। तो वरान का दो अर्थ हो गया, एक है गुरु और एक है परमात्मा, जैसे मैंने अभी बताया ना, मृत्यु और धावती पंचमे, अर्थात मृत्यु भी परमेश्वर को डरता है, तो उसमें दो अर्थ हो जाता है, उपनिषद का अर्थ है, फिर स्टडी क्लास का अर्थ है, ऐसे समझ में है? अब आगे अच्छा, अभी वरान उपनिबोध जो गुरु के पास जाना, उसके लिए थोड़ा सा शंकराचार्य कहते हैं, देखना क्या कहते हैं, कथम कैसे प्राप्त करना है, प्राप्य उपगम्य वरान प्रकृष्ट आचार्यान तद्वदस तदुपदिष्टम सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मि इति निबोधत अवगच्छत। वाह स्वामी जी, आप ही वाह करोगे और समझाओगे, नहीं तो कैसे समझेंगे हम, तो बता रहे क्या? बरान निबोधत माने आचार्य के पास जा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करके अनुभव करो, निबोधत ज्ञान प्राप्त करो, क्या जानो। कहते यमराज कहते हैं गुरु के पास जाकर के ही जानना पड़ता है, आत्मा ज्ञान के जागृत में रहना पड़ता है, क्या उत्कृष्ट आत्मज्ञानी। वरान माने वरान वरेयं श्रेष्ठं प्रकृष्ट आचार्य, जो आचार्य उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, जो सदगुरु भी है, ब्रह्म श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसको बोलते उत्कृष्ट, अर्थात शास्त्र के बारे में जानते भी है और अनुभव भी किए, ऐसे आचार्य के पास जाकर के क्या किया? तद उपदिष्ट, उनके पास जाना है आचार्य के पास, उपसक्ति पूर्वक, तक शब्द भी हुआ है उपसक्ति, वहां जाकर तदवस्त उपदिष्टम, एंड उन्होंने उपदिष्ट किया, उपदिष्ट माना उपदेश दिया, प्रवचन दिया,
उपदेश दिया। बताओ तो ऐसा कौन से उपनिषद में एक महावाक्य है जो एक ही वाक्य में पूरा उपदेश आ जाता है? बताओ। थोड़ा जोर से बोलो। कौन कौन बोला है? हाँ बोलो। हाँ तत्वमसि। अर्थात गुरु उपदेश दे देते हैं तत्वमसि। कौन से उपनिषद के हैं? कौन से वेद के हैं? सामवेद के। कौन बताया था? उद्धव। किसको बताया था? अभी कौन बता रहा है? किसको बता रहे हैं? ओके, तो वो जो उपदेश है तत्वमसि, गुरु के पास जब आते हैं, गुरु बोलते हैं वो तुम हो तत्वमसि, फिर शिष्य अनुभव करता है कि वो जो गुरु ने तत् कहा, और जो तत्व क्या है ना, वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है ना, प्रज्ञानं ब्रह्म। ये अभी कौन से उपनिषद का है? ऐत्रीय उपनिषद। कौन से वेद के हैं? ऋग्वेद के। ठीक है, इसमें क्या वाक्य है? ये लक्षणात्मक वाक्य। ठीक, फिर कहते जो ब्रह्म के बारे में चिंतन करता हूं, वो ब्रह्म और मेरे से क्या संबंध है? अयम आत्मा ब्रह्म। तो अयम आत्मा ब्रह्म है वो कौन सा उपनिषद के हैं? नहीं, वेद में नहीं पूछा नहीं मैंने। कौन सा उपनिषद का है? अयम आत्मा। मुझे क्या पूछ रहे? मंडूक क्या है इसका? मुझे पूछ रहे मांडू के, मांडू के बताओ। अथर्ववेद का है मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद। अयम आत्मा ब्रह्म, इसका अर्थ क्या है? मैं जो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ब्रह्म। जो ब्रह्म के बारे में दो महावाक्यों में मैंने विचार किया था, तत्वमसि जो गुरु ने कहा था, उसको जो मैंने विचार किया था कि जो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, और अभी मैं क्या समझ रहा हूं, ये मैं ही अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। इस वाक्य को कहते हैं अनुसंधान वाक्य। क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं अनुसंधान कर रहा हूं, लास्ट में मैं अनुभव करता हूं, हो गया, लग रहा है हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद। कौन से वेद का है? यजुर्वेद है। और इस महावाक्य का नाम क्या है? अनुभव वाक्य है। कौन कहा था? याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी मैत्रेय आदि को इसको नहीं कह रहे। ऐसे गुरु के पास जब शिष्य जाता है, गुरु से उपदेश मिलता है। अच्छा, ये अभी जो हमने 5-10 मिनट कहा, उनको 12 साल लगता था, पूरा वो रहते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, विचार करते थे और अनुभव करते थे मैं ब्रह्म हूं। देखो क्लियरली लिखा हुआ है जो अभी मैं बता रहा हूं, सर्वांतर आत्मानम अहमस्मि। अहमअस्मि क्या है? आत्मा, परमात्मा, सर्व आत्मा, अहम इति, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा इति अनुभव करते थे। निबोधत, यही बात उपनिषद कहती है। निबोधत माने जानो। देखा निबोधत श्लोक, ओरिजिनल श्लोक को देखना, निबोधत यही है। शंकराचार्य थोड़ा सा और बड़े करुणावान है। शंकराचार्य बहुत करुणावान है, कहते हैं ये जो उपनिषद है वेद माह है, या यमराज लगता है ऊपर है, तो वो यमराज को कौन डरता है? कौन डरता है? जो पापी लोग है वो डरेगा। ये जो ईडी है सीबीआई को कौन डरता है?
जो अलमीरा में 300 करोड़ रखेगा पैसा उधर है। अब इतना कैश है बाबा, धीरज साहू करके अलमीरा है ना, वो डरेगा तो फिर बोलेगा कि ईडी को ही बुलाते हैं, सीबीआई को बुलाते हैं, तुम डरते क्यों है ना, आओ बुलाओ ईडी को, चाप आप पिला के भेजो, तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है, है तो वो पकड़ेंगे कैसे ना कैसे। नहीं, हमको पकड़ा, उसको नहीं पकड़ा, तो तुम नाम बता दो ना, वो भी जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, पकड़ा तो दूसरे को भी हो जाता है। तो यमराज को कौन डरता है, जो पापी है, मगर यहाँ नचिकेता नहीं डर रहे, क्यों? वो सरल, उनको तो कुछ है नहीं, उनको तो कुछ, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, 300 करोड़ क्या, कि 3,000 कितना करोड़ छोड़ दिए उन्होंने, उन्होंने कहा थे लोग है मुझे नहीं चाहिए। तवे वो बाहा तव नृत्य गीते, तवे वो करोड़ों तेरे पास रखो, ऐसे बोला उसने, हमको नहीं चाहिए। इसलिए यमराज कौन नहीं डर रहे, यमराज करुणा माँ के समान बातें कर रहे हैं। यहाँ शंकराचार्य बोल रहे, जो श्रुति है, देखो श्रुति तो एक किताब है ना, तो जो वक्ता है उन्हीं को ही पहुंचाएगा, तो श्रुति माँ के समान बोल रही है, अनुकंपा कर, देखो एग्जैक्ट श्लोक देखना, नहि उपेक्षितव्यः इति श्रुति अनुकंपया आह मातृवत, वो वहां नहीं मिलेगा आप लोग, मुझे देखो तो संस्कृत है, कहते अनुकंपा माने कृपा करके माँ के समान। श्रुति क्या कहती है कि अरे पगले, अरे शिष्य, ये जो आत्म तत्व है ना बहुत सूक्ष्म है, क्षीरस्य धारा निशित दुरत्या, ये बहुत सूक्ष्म है, पहली है छुरी के खिल धार के अग्रभाग को पार करना जैसे कठिन है, तो तू फिर भी पार किया जा सकता है, उसी को दुरत्य कहते हैं। धीर धारा निशिता दुरत्या दुर्गम यत्त पदयो कदयो पदन्ति, तात्पर्य ये तत्व सूक्ष्म है और उसको जानना कठिन है, सब लोग के रास्ता नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रमाद रहित हो, प्रमाद माने तुम्हारे अंदर मन को आलस मत बनाओ, मन को स्ट्रांग बनाओ और आत्मबल बढ़ाओ और जानो। वो जो अभी बताया था आत्म तत्व तो कठिन है, उस कठिन को थोड़ा दिखाने के लिए 15 नंबर श्लोक में कह रहे, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्छयत नित्यमगन्धवत् ध्रुवम्। प्रश्न होगा ये जो ज्ञेय की सूक्ष्मता कैसी है, दुर्भाग्यता कैसी है ना, देखो ना, और शब्द ये बाहर के शब्द से नहीं जान सकते हैं, देखा, और शब्द बहिर से अलग है, शब्द से परे है, तो आप नचिकेता तो जानते हैं, उनके अंदर श्रद्धा है, आप हम बोलेंगे और शब्द ना, तो आप बोल क्या रहे हो, शब्द, फिर आप शब्द यूज कर रहे हो किसके बारे में, और शब्द के बारे में, तो फिर आपके जो शब्द है वहां नहीं पहुंचेगा ना, ना फिर आप बोल क्या रहे हो, बोल क्यों रहे हो, क्या मैं कभी समझ सकता हूं ना, हाँ कैसे, सुनो, जब मनुष्य सोता है ना, स्वप्न देखता है ना, स्वप्न आपने देखा, और ठंड दिन है, कभी कभी लाइट नहीं जाती है, चली जाती है, और आप सो गए, अब रात 12 बजे लाइट आ गई, आपको पता नहीं, अब लाइट बंद करना चाहते हो, कंबल से निकलना ही नहीं चाहते, अब ठंड बढ़ गई है 2 दिन,
अब उठना पड़ता है, आप उठे उसको बंद किया, अब अंधारा है, आपको पता नहीं है जो हीटर का जो स्टैंड है ना आपने रखा था कि उसको रखा, और आप जो बंद किया उसके साथ लगा, आपको लगा कि कोई तो चिल्लाया आपने, जब चिल्लाया सचमुच ये सब आप स्वप्न देख रहे थे, लाइट गई नहीं थी वो भी आपका स्वप्न है, एंड आप जो उठे हैं वो भी आपका स्वप्न पुरुष है, आपने स्विच ऑफ किया वो भी स्वप्न है, अंधेरे में आए और वो जो रॉड है जो हीटर है वो भी स्वप्न का है, जो चिल्लाना भी है वो भी स्वप्न का है, और उसी चिल्लाने स्वप्न के कारण आप क्या हो गए, जाग गए, तो देखा क्या है रात 2 बजे, तो जो चिल्लाना है ये जागृत का है कि स्वप्न का है, स्वप्न का है, स्वप्न का चिल्लाना आपके लिए क्या मदद किया, उठने में मदद उठने, जब आप उठ गए उस चिल्लाने के कोई महत्व है क्या, नहीं, चिल्लाया ऐसे कुछ रोते उसके लिए, मगर वो कारण बना, वैसे ही उस परमात्मा अशब्द है मगर गुरु के वाक्य चिल्लाना जैसा है, समझ में आया, तो हाँ ना तो बोलो, इतना कंजूस क्यों, तो वो गुरु के वाक्य जो चिल्लाना जैसा है वो मदद कर देता है हाँ उठाने के लिए, फिर गुरु के वाक्य जरूरत नहीं पड़ता है, जब तक गुरु के वाक्य जरूरत पड़ा श्रवण है, उस वाक्य का आपका हो गया मनन है और वाक्य बंद हो गया, समझ में, गुरु के वाक्य आपके पास है श्रवण है, गुरु का वाक्य आपका बन गया मनन है, और वो वाक्य चला गया बंद हो गया, निःशब्द हो गया, चिल्लाना भी बंद हो गया, वो क्या हो गया निधिध्यासन, निधिध्यासन या परोक्ष साधन, निधिध्यासन या आत्म साक्षात्कार, ठीक है ना, इसलिए अशब्द है और उसको जानने के लिए, अशब्द है कहना भी शब्द है, अशब्द है उसका कहना भी, मेस्मराइजिंग है ना, अशब्द अस्पर्श शब्द, अर्थात ये 5 जो विषय है, जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय उससे परे ही बता रहे, अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय अव्यय अविनाशी तथा अरसं, ये सब 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय के कर्मेंद्रिय के विषय को बता रहे, नित्य वो नित्य है, नित्य अगंध गंध स्वरूप से परे बच्चा, अनादि अनंतम आदि कारण जगत का होता है, कोई चीज पदार्थ के आदि कारण होता है, मगर वो जो परमात्मा जिसका कार्य होता है उसका आदि होता है, जिसका कारण होता है और वो परे है, अनादि अनंतम महाता परम, महातत्व से भी परे हो, महातत्व से भी परे हैं ध्रुवम, वो सत्य में निचाय, निचाय मन जानकर, निचाय मन जानकर, निचाय ध्रुवम निचाय तत् मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, फिर मृत्यु मुख से छूट जाता है, ऐसे जो उपनिषद वाक्य है जो यमराज ने नचिकेता को कहा है, अगर कोई भी सुनेगा, खुद यमराज एक ब्लैंक चेक देते हैं कि अगर मेरे वाक्य को ऐसे कोई सुनेगा, क्योंकि मैं प्रथम अध्याय समापन किया 71 श्लोक, अभी ये 70 थे, 70 ये श्लोक, तो जो सुनेगा जरूर मुक्त प्राप्त करेगा, नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, सनातन
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके नाचिकेतमुपाख्यानम। नचिकेता द्वारा प्राप्त किए या नचिकेते को उपदेश दिया गया, उपाख्यानम दोनों अर्थ में नचिकेता द्वारा प्राप्त किया हुआ है। देखना हमारे वाक्य में इसको जो प्रवचन का श्रवण साधना कहते हैं, है ना। तो श्रवण साधना जो शब्द है ना, वो प्रवचन और श्रवण साधना में फर्क है। प्रवचन आप बोलोगे कि कहाँ जा रहे हैं, प्रवचन सुनने के लिए, तो उससे क्या हो गया, वाक्य वक्ता प्रदान हो गया, प्रवचन वो दे रहे हैं, और श्रवण साधना में क्या हो गया। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पर नाच के तो वो क्या श्रवण साधना स्टाइल है, अर्थात जो श्रोता है उसने क्या प्राप्त किया है। नाचिकेतमोपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम, किसने कहा है, यमराज ने, सनातन भगवान यमराज ने कहा है। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, इस सनातन ज्ञान को अगर कहा है ब्राह्मणों से सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित हो जाता है, बोलता भी है और सुनता भी है, मेधावी लोग ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं ये इसे उपनिषद को, देखो अब ये खत्म नहीं हुआ मगर बीच में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट, क्या इस उपनिषद को कहीं संसद में, ब्रह्म संसद जो पार्लियामेंट होता है, ब्रह्म संसद में या तो श्राद्ध काल में, इसीलिए ये आजकल जो होता है ना श्राद्ध में वो हरि गीता सुनाते हैं, गरुड़ पुराण सुनाते हैं, ये तो बात की बात आया पुराण के समय, पहले ये कठोपनिषद थी, धीरे धीरे हट गया, परंपरा कट गई, वो गरुड़ गीता आ गई, हरि गीता आ गई, इसलिए ये श्लोक प्रमाण है कि कठोपनिषद पढ़ाया जाता था, क्योंकि वक्ता कौन है, तो बस उसी के ही सब्जेक्ट, वो खुश भी होंगे चलो मेरे मेरे जो प्रेसक्राइब किताब पढ़ रहे, जैसे डॉक्टर शशियामा चिट्ठी लिख लेते हैं ना गुरु जी को, गुरु जी हम आपके भागवत किया अभी, गुरु जी को थैंक यू, तो यमराज भी खुश होता है थैंक यू जो कठोपनिषद पढ़ता है, तो देखना है लिखा हुआ है ययिमं पुरुमं परमं गुह्यं श्रावये ब्रह्म संसदे प्रयत श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पते। ये गुह्यम, गुह्यम पहले में बता ना गूढ़म, ये इसे गूढ़ ब्राह्मणों की सभा में अगर बताते, संसद पार्लियामेंट जो बोलते ब्राह्मण, मैंने भागवत में बताया था ना, ऋषभ भगवान है उन्होंने अपने 100 स्टूडेंट पुत्र थे भरत आदि सब को कि चलो भरत को राजा बना दिया, फिर डिवीजन कर दिया, 9 भाई को दे दिया नवद्वीप, फिर 9 लोग सन्यासी बन गए, फिर 81 ब्राह्मण बन गए, सबको बुलाया और कहा कि जितने भारतवर्ष के राजा लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि लोग, सबको बुलाओ, कहाँ है अपना बिठूर कानपुर के पास, वहां पर एक सत्संग किया, वहां लिखा हुआ है भागवत टॉक दिया, उसको बोलते ब्रह्म संसद कॉन्फ्रेंस, बड़ा बड़ा सब कॉन्फ्रेंस होना, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन, ऐसे ब्रह्म संसद में अगर ये उपनिषद को पढ़ा जाता है श्रेष्ठ है, और श्राद्ध काल में भी, गरुड़ पुराण को श्राद्ध काल में पढ़ने के लिए कहीं नहीं लिखा गया, परंपरा में हुआ वो प्रामश्रुति में लिखा गया है, तो जब उपनिषद को कोई नहीं पढ़ सकता तो उपनिषद का ही तो सारांश के रूप में पुराण आता है ना, वेद इतिहास पुराणाभ्यं वेद उपमृणते, इसलिए उसका रिप्रेजेंटेटिव रूप में लिया गया। कोई अगर बोलेगा कि मैं कठोपनिषद पढ़ूंगा गरुड़ नहीं पढ़ूंगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ओरिजिनल है,
वो बोलेगा मैं हरिद्वार का पानी नहीं ले पा रहा, मैं गंगोत्री का पानी लिया। अरे ब्यूटीफुल, तो वो ओरिजिनल है। तो ये देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, प्रयत श्राद्ध काल। श्राद्ध काल में कहते, श्राद्ध काल में कोई पढ़ता है या उपनिषद बांटता है, इसलिए हम लोग गीता बांटते हैं ना किताब, तो श्राद्ध काले बा तदनंतर अनंत फल मिलता है, इतना कह करके समाप्त किया है। समय भी समाप्त। उससे पहले गुरुदेव ने प्रथम अध्याय में क्या क्या टॉपिक खत्म हुआ और सेकंड अध्याय में क्या है थोड़ा सा बता रहे हैं, उसको देख करके हम विदाई करते हैं। प्रथम अध्याय में फलश्रुति का निर्देश है, आप देखना जिसके पास पेज है ना हिंदी का, आई डोंट नो पेज 175 में है लास्ट में, हाँ इस प्रकार निर्देश है। समापन दो बार बताया ना, तदनंत्याय कल्पते, तदनंत्याय कल्पते, इसका अर्थ है समापन। अब सेकेंड पॉइंट, प्रथम अध्याय में विषय की अभिव्यक्ति सजीव नवीन विचारों के युक्त दिखाई दिया है, नए नए सूक्ष्म अनुभूति परंपरा को जन्म देने वाले, मिला कि नहीं आपको? मिल गया। 3 नंबर है, साहित्य की दृष्टि से प्रथम अध्याय में कला सौष्ठव दिखाई देता है, अभी जो आगे जो बढ़ेंगे द्वितीय अध्याय है उसमें भाषा की शैली में शीतलता अवरुद्धता है, हटा विचार प्रवाह उत्पन्न किया गया है। अभी जो फर्स्ट चैप्टर में कठोपनिषद में वर्णन है, साहित्य है वो, उसका जो एलोजरी है, उपमा है, अभी रथ के बारे में ऐसे, फिर रतम पिबंतम छाया तपो आदि है। सेकेंड चैप्टर में ऑल इन सडन विचार है आपके, शीतलता है, तो ऐसे प्रसंग हमें मिलता है। चौथा पॉइंट उन्होंने द्वितीय अध्याय जो आगे जो बढ़ेंगे उदाहरण में वो देते हैं, वृक्ष का उदाहरण, फिर विषय की दृष्टि से देखने पर प्रथम अध्याय में जिज्ञासु को गूढ़ भाषा में बताई गई है आत्म तत्व के दिव्यज्ञ, द्वितीय अध्याय में नए प्रश्न उठाए गए उसका समाधान भी किया गया है, खुद ही गुरुदेव ने अपने ओरिजिनल बनाया है ना। संदेह नहीं कि द्वितीय अध्याय का अध्ययन में प्रथम अध्याय अधिक ग्राह्य है। कहते हैं ये क्यों बताया पता, जो प्रथम अध्याय अटेंड नहीं कर पाए अब द्वितीय अध्याय करोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ अध्ययन के लिए गुरुदेव बोल रहे हैं, ठीक है। फिर नए सिद्धांत और विचारों को द्वितीय अध्याय में पाना कठिन है, किंतु प्रथम अध्याय में विशिष्ट औचित्य समझ में आ जाता है, ये नए नए विचार है और सिद्धांत द्वितीय अध्याय में है, ये कुछ कुछ पॉइंट है। ये प्रथम अध्याय का समाप्ति हुई है, शांति पाठ भी होता है, इसलिए लास्ट में देखना सहना बहुत है। ओम सहना सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति काठकोपनिषदि प्रथम अध्याय तृतीय बंदी समाप्ता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः।